हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर अनिल कुमार वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम फोकस करने वाले हैं डिफरेंट मोड और डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट सेल में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली प्लांट सेल में गैसेस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स अर्थात हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ मैकेनिज्म इन विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेसिकली लीफ एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में फॉर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया कार्बोहाइड्रेट्स और फूड मटेरियल को फर्दर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन अ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के द्वारा। क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट की बेसिकली जो नीड है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए या फिर प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ओवरऑल समरी के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में किन किन चीज़ों को रखा गया। अगर किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेल से सेल के बीच में हो रहा हो या फिर विद इन अ सेल के अंदर ही हो रहा हो या विद इन अ सेल हो रहा हो या सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में अगर पार्टिकल्स मूवमेंट हो रहा हो तो इस टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म और फिनोमिना को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। इन दिस फिनोमेना देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज वैस्कुलर टिश्यू? तो वैस्कुलर टिश्यू इज मेनली अ कंपोजिशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम कंपोनेंट्स। तो जाइलम बेसिकली हेल्प करता है वाटर के कंडक्टेंस में और जाइलम का जो मूवमेंट होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। इन अदर हैंड फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है बाई डायरेक्शनल होता है, अर्थात वी कैन से दैट फ्लोएम जो रूट से टिप तक चीजों को पहुंचाता है या टिप से रूट तक चीजों को पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम बेसिकली जो हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। फर्दर कैटेगराइज किया गया दो पार्ट्स में, वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। Along the concentration gradient means from higher concentration to the lower concentration होता है और इसमें कोई भी energy की requirement नहीं होती है। मतलब in passive transport there is no need of any kind of metabolic energy। अगर हम बात करें active transport के बारे में तो active transport में basically जो moment होता है वो uphill type का होता है। uphill मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और इस प्रोसेस में पार्टिकल के मूवमेंट को कराने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज एक रिवर है, उसका फ्लो लेफ्ट टू राइट है। अगर हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है
या तैरना है या किसी चीज को भेजना है, तो हम अगर रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में ही तैरेंगे तो हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपोजिट द फ्लो ऑफ रिवर की तरफ जाएंगे तो हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी तो हम इस टाइप के फ्लो को क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लो कहते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया तीन मेन प्रोसेस में, वन इज डिफ्यूजन, अनदर वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और थर्ड वन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन दैट इज ऑस्मोसिस, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ती है फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डिफ्यूजन के केस में भी सेम ऐसे ही होता है, इसमें भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ये दिस इज द वन ऑफ द स्लोवेस्ट और अ स्लोवेस्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। एज वी ऑल नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड बाई लेयर है तो बेसिकली इसके पास हेड रीजन होगा और टेल रीजन होगा। तो हेड इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग होता है, और टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है अवे फ्रॉम द वाटर, जब कोई चीज वाटर से दूर रहना पसंद करती है तो उस पर्टिकुलर चीज को हाइड्रोफोबिक नेचर वाली चीज कहते हैं या हाइड्रोफोबिक नेचर वाला सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सपोज दिस देयर इज अ टू रीजन, वन इज साइटोप्लाज्मिक रीजन एंड अनदर वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। एज वी ऑल सीइंग हियर, इन एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टेंस दैट सो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ अ सबस्टेंस, और इनसाइड द सेल और अ साइटोप्लाज्मिक रीजन में देख रहे हैं कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं सबस्टेंस के, तो जो मोमेंट होगा या फिर डिफ्यूजन जो होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन होगा। अगर हम डिफ्यूजन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है प्लांट सेल में गैसियस एक्सचेंज के लिए। दिस इज द ओनली प्रोसेस दैट इज नीडेड और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट सेल। ठीक है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो किसी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर निर्भर नहीं करता, मतलब दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, और जो इसके अगर रेट के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और जो सबसे कम होता है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में होता है। जो डिफ्यूजन की रेट है वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों में, तो हम एक एक करके देखते हैं कैसे डिफ्यूजन का रेट डिपेंड होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। अगर सबस्टेंस का जो साइज है वो स्मॉल साइज का है तो उसका जो डिफ्यूजन रेट होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा डिफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। द थर्ड थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अनदर वन इज प्रेशर। प्रेशर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एंड लास्ट वन इज परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट ईच एंड एवरी सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट अ स्पेसिफिक परमेबिलिटी। डिफ्यूजन के केस में जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मतलब जो अवे फ्रॉम वाटर रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डिफ्यूजन तेजी से होता है इन कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के। तो आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर देते हैं अ डिफरेंट
मोड ऑफ डिफ्यूजन दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्या? इट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन। स्पेसिफिक क्यों है? बिकॉज दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाई अ प्रोटीन्स, दैट प्रोटीन्स आर नोन एज कैरियर और अ चैनल प्रोटीन। ठीक है, बट में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन होता है या अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और इसमें भी कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, मतलब इसमें भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, वो ऑलवेज ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो पार्टिकल का मोमेंट होता है वो काफी तेजी से होता है इन कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली दो चैनल प्रोटीन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, वन इज पोरिन्स एंड अनदर वन इज एक्वापोरिन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पोरिन्स के बारे में। दीज आर आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बेसिकली जो पाए जाते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, एंड सम बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज अ आयन चैनल की तरह। ये बेसिकली हेल्प करते हैं डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इस फिगर से समझते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस को। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है एंड दिस इज अ साइटोप्लाज्म। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में क्या है, बहुत सारा सबस्टेंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारा सबस्टेंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होने जा रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर और अ चैनल प्रोटीन के थ्रू। तो क्या होगा, इन प्रोटीन्स के पास में एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती है फॉर दीज पर्टिकुलर सबस्टेंसेस के लिए। तो क्या होगा, जैसे ही ये कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा या फिर जो ट्रांसपोर्ट होना चाहेगा, तो इसमें क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं इस प्रोटीन में। चेंजेस हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, और ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक क्यों होते हैं, बिकॉज ये इफेक्टेड हो सकते हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में। कैसे, क्योंकि बिकॉज जो प्रोटीन्स पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन का जो फंक्शन होता है या कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, जो कि उसकी जो रेगुलर शेप है उससे क्या कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है या फिर उसकी रेगुलर शेप को बिगाड़ देता है, जिससे कि आयंस का मूवमेंट या फिर जो सबस्टेंस का मूवमेंट है नॉर्मल नहीं हो पाता है, और वो पर्टिकुलर साइट्स जो प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स पे वो क्या होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात सबको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं एक्वापोरिन्स के बारे में। तो एक्वापोरिन्स क्या है, दीज आर आल्सो अ चैनल प्रोटीन, दीज आर आल्सो अ एग्जांपल ऑफ चैनल प्रोटीन। समटाइम इट इज नोन एज वाटर चैनल्स, इनको वाटर चैनल्स के भी नाम से जाना जाता है, और दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ फोर सब यूनिट्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज होमो टेट्रामर्स के नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली हेल्प करते हैं वाटर एंड फ्यू स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू वर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। राइट नाउ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स हैव बीन रिकॉर्डेड टिल डेट। आई होप कि एक्वापोरिन्स के बारे में सबको समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली अपहिल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अपहिल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब व्हेन मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है, ये ट्रांसपोर्ट बेसिकली मीडिएट होता है स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन
और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोसेस इज फास्टर देन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा लिए जाने वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप से समझते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो सेल के अंदर जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है इनसाइड द सेल इन कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है ना, बहुत ज़्यादा है, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है, वो कम है। पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो है वो कम है। इसमें क्या होता है, जो सोडियम को मूव कराया जाता है, सोडियम को मूव कराया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, लेकिन जो सेल में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब सोडियम का कंसंट्रेशन कम है बट इसको हमें मूव कराना है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में या फिर फ्लूइड में जहां पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराना है। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी हेल्प करेगी सोडियम आयंस को बाहर भेजने में, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट कराने में, और पोटेशियम आयंस को अंदर लाने में हेल्प करेगी। जो रेशियो होता है वो 3:2 का रेशियो होता है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम जब बाहर जाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर आते हैं, और इस टाइप का जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आई होप कि ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित एग्जाम्पल है दैट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या होता है, एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। इसमें होता क्या है, सोडियम को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और एटीपी से क्या किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। उससे क्या होता है, जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में जब सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सोडियम मूव बैक इनटू द सेल आता है, और सोडियम जो मूव करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये अपने साथ लाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या कराता है, को ट्रांसपोर्ट कराता है, मतलब साथ साथ दोनों अंदर आता है, मतलब सोडियम और ग्लूकोज एक साथ इंटर करते हैं, टाइप के मूवमेंट को क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली टू टाइप्स, वन इज यूनिपोर ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट में क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, ठीक है, तो उसको यूनिपोर्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। को ट्रांसपोर्ट में जब दो पार्टिकल्स या समटाइम दो से ज्यादा पार्टिकल्स का एक साथ मूवमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन इज सिंपोर्ट। तो सिंपोर्ट के बारे में समझते हैं, सिम मतलब सेम। जब दो मॉलिक्यूल्स सपोज ए और बी का एक साथ मूवमेंट हो, एक ही टाइम पे मूवमेंट हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो, तो ऐसे
ट्रांसपोर्ट को और ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं, सिंपोर्ट कहते हैं। इन अदर हैंड्स इन केस ऑफ एंटी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट तो सेम टाइम पे होगा, मूवमेंट तो पार्टिकल्स का सेम टाइम पे होगा, साथ में होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ए मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो बी मॉलिक्यूल क्या होगा, वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। और इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एंटी पोर्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। आई होप कि सबको ये क्लियर हुआ होगा। दैट्स फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ऐसे ही मोर सिंपल एंड प्रिसाइज एंड कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।